गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। तो देखिए, आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर के, ठीक है। तो सबसे पहले आपका चैप्टर क्या है? चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर। तो हम यहाँ से देखेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है और आपको पता भी होना चाहिए कि एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बिकॉज यू नो दैट योर चैप्टर नेम इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देन वी आर टॉकिंग फर्स्ट अबाउट द केमिकल इक्वेशन। ऑल्सो देयर इज ए क्वेश्चन, हाउ डू वी राइट ए केमिकल इक्वेशन। देयर इज ए क्वेश्चन, हाउ डू we write chemical equation, ठीक है। तो देखिए, केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जा सकता है? बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूलाज इन प्लेस ऑफ वर्ड्स। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल। ये कहता है कि हम केमिकल इक्वेशंस को, ठीक है, केमिकल फॉर्मूलास का प्रयोग करके इन वर्ड्स ऑफ इन प्लेस ऑफ वर्ड्स, शब्दों की जगह पर, वर्ड्स की जगह पर हम केमिकल फॉर्मूलास का प्रयोग करके अपनी जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन जो है, उसे हम लिख सकते हैं और ये हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन, और केमिकल इक्वेशन ही किसको रिप्रेजेंट करती है? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। वर्ड इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल और फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो राइट डाउन करिए, बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूलास इन प्लेस ऑफ वर्ड्स, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल, ठीक है। हम केमिकल फॉर्मूला का वर्ड्स की जगह पर जब यूज करते हैं तो उसे केमिकल इक्वेशंस कहते हैं, और केमिकल इक्वेशंस जब हम केमिकल फॉर्मूलाज का यूज करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होंगी। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा, एग्जाम्पल जैसे कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है? Mg एंड ऑक्सीजन, दोनों की रिएक्शन के हमारे पास क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज ऑक्सीजन एंड इट विल बिकम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। नाउ वी हैव टू कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ एरो। अब हम क्या करेंगे? कंपेरिजन करेंगे यहाँ पर कि मैग्नीशियम का जो मैग्नीशियम इज अ एलिमेंट, ठीक है, और इसके एटम्स यहाँ पर कितने हैं? जस्ट ओनली वन। यहाँ पर भी कितने हैं? वन है। बट ऑक्सीजन के कितने हैं? यहाँ पर टू हैं। और यहाँ पर कितने हैं? देयर इज ओनली वन ऑक्सीजन, ठीक है। ये अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपके सामने कि यदि ये दोनों इक्वल आ जाते हैं ऑन द बोथ साइड्स ऑफ एरो, दैट मींस दिस इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और यदि ये इक्वल नहीं है तो हम इसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ से एक ये भी कह सकते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन किसे कहते हैं? बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। कंपेयर
द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो, दोनों साइड्स एटम को कंपेयर करें कि इक्वल है या नहीं है. इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो आर इक्वल देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. इफ इट इज नॉट द केस देन इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड बिकॉज मास ऑन बोथ साइड्स इज नॉट इक्वल. रीजन क्या है इसका एग्जैक्टली? बिकॉज मास ऑन बोथ साइड्स इज नॉट इक्वल क्लियर. तो देखिए यहां से मैंने आपके सामने लिखा था एक इक्वेशन mg प्लस O2 MgO mg mg कितने एटम्स हैं? वन है. यहां पर कितने हैं? टू हैं. और यहां पर कितने हैं? जस्ट ओनली वन. दैट्स वाई दिस इज नॉट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन. और बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर टू से मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी. अगेन हम चेक करेंगे mg के एटम्स कितने हैं? वन है. और यहां पर कितने हैं? टू हैं. ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करेंगे? यहां पर भी टू मेंशन कर देंगे. नाउ वी कैन चेक 2mg इज देयर एंड O2. O ऑक्सीजन के कितने हैं यहां पर? दो हैं. तो यहां पर भी कितने हैं? दो हैं. दैट्स व्हाई दिस इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन. नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट रिएक्शन Na प्लस Cl2. सोडियम की रिएक्शन किससे की गई है? क्लोरीन से की गई है. एंड दिस विल बिकम सोडियम क्लोराइड. देखिए Cl के एटम्स कितने हैं? दो हैं यहां पर. और ये कितने हैं? सिंगल है. तो क्या करेंगे? टू से मल्टीप्लीकेशन. और जब यहां हम देखेंगे तो सोडियम कितने हो गए? टू हो गए. तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे? टू से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2NaCl. दैट्स व्हाई दिस इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे हम यहाँ पर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन की. क्या बात करेंगे हम? कम्बिनेशन रिएक्शन. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, तो देखिए यहां से इन दीज रिएक्शंस टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड. रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं? लाइक एज दिस इज ए केमिकल इक्वेशन, दिस इज योर लास्ट एग्जाम्पल. रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं? ये और ये वाले हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं. रिएक्टेंट्स जो हैं हमारे, ये हमारे
राइट हैंड साइड एंड दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड. ये हमारे मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे. जो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट्स होंगे जो हमारा रॉ मटेरियल से फॉर्मेशन होती है ऑन द एयर ऑफ राइट हैंड साइड, दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. ठीक है, जब हमारे पास दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स होते हैं और मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, तो राइट डाउन कीजिए, इन दीज रिएक्शंस टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट सच ए रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. ऐसे रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है. देयर इज ए एग्जाम्पल फॉर यू, देयर आर टू रिएक्टेंट्स विच फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. और देयर इज ए वन मोर एग्जाम्पल, कैल्सियम ऑक्साइड इज रिएक्ट विद वॉटर, दिस विल बिकम कैल्सियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, एंड कैल्सियम ऑक्साइड्स को 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ऑल्सो कॉल्ड क्विक लाइम एंड दिस इज कॉल्ड स्लैक्ड लाइम. ठीक है, क्लियर हो गया. देयर आर टू रिएक्टेंट्स, यहां पर क्या है, दो रिएक्टेंट्स हैं एंड दे फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट विच इज स्लैक्ड लाइम, जिसे आप कैल्सियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बोल सकते हैं. ठीक है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम्स में भी पहले आया हुआ है, 2012 में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट वन इज डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, जहां पर एक सिंगल प्रोडक्ट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में. ठीक है, डिसोसिएशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, उसे हम डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं. राइट डाउन कीजिए, इन दिस रिएक्शंस सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इंटू टू और मोर देन टू न्यू सब्सटेंसेस. Such a reaction is called dissociation reaction. Examples देख लेते हैं. जब हम यहां पर calcium carbonate, ठीक है, इसको हीट देते हैं, दिस इज अ सिंबल ऑफ हीट एंड दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. डिसोशिएट हो जाएगा ये यहां पर, ठीक है, एंड दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम
ऑक्साइड एंड यू नो अबाउट दिस फॉर्मूला, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या था, एक सिंगल रिएक्टेंट था। ठीक है, प्रोडक्ट में डिवाइड हो गया, दिस इज द प्रोडक्ट ए एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ बी। ठीक है, दिस इज ए बी और ए बी टूटकर ए प्लस बी उसने बना दिया, दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है, नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट रिएक्शन एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 2012 और 2013 दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करें विद एग्जांपल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड, एक कंपाउंड से जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसको उसकी जगह से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो उसे क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो राइट डाउन कीजिए, व्हेन एन एलिमेंट displaces another element from a compound then it is called displacement reaction। ठीक है, तो देखिए यहां पर कुछ examples लेते हैं हम। examples क्या है, जैसे जिंक है, जिंक की रिएक्शन हम करते हैं CuSO4 से। CuSO4 is the formula of copper sulfate एंड जिंक ने डिस्प्लेस किया, किसको, कॉपर को किया, तो ये बन गया ZnSO4 प्लस Cu कॉपर, ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट एंड दिस इज कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये हमारे पास इसने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर कॉपर जिंक सल्फेट बन गया। नाउ देयर इज द नेक्स्ट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इन सच ए रिएक्शंस टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम एक्सचेंज देमसेल्फ विद ईच अदर, जहां पर दो या दो से अधिक जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को एक्सचेंज करें, उसे हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो राइट डाउन कीजिए, इन सच ए रिएक्शन टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स एक्सचेंज देमसेल्व्स विद एच अदर। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, दिस इज रिएक्ट विद बेरियम सल्फेट, क्या बना, बेरियम सल्फेट एंड टू NaCl। ठीक है, तो देखिए बेरियम किसके साथ, सल्फेट के साथ एंड दीज आर, ठीक है, तो यहां पर दो या दो दो जो मतलब एटम्स हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है,
इतना आप लर्न करके लेके आएंगे, आपको बता दिया गया है केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, और फिर उसके बाद आपको चार टाइप की केमिकल रिएक्शंस करवाई गई हैं। फर्स्ट वन इज द केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट वन इज द डिसोसिएशन रिएक्शन, एंड द थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फोर्थ इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सभी के सभी आपके कल कंप्लीट होनी चाहिए।